चलो हमारी सारी चीजें यहाँ पर आराम सुकून से घूम रही है, चकोर ये सारा कुछ घूम रहे हैं। ओए वो सामने ब्लैक कलर का कबूतर बैठा हुआ है यार, ये सामने चेक करें जी, ये पता नहीं किसका कबूतर है यार। तो पीछे से सब्जी वगैरह भी हमारे परिंदे जो है वो सब्जी ना खाने लग जाए, और कबूतर चेक करें किस तरह बैठा हुआ है। तो हमारे सारे कबूतर सारा दिन खुले रहते हैं ना, कुछ ये बैठे हुए हैं, कुछ ऊपर बैठे हुए हैं, कुछ इधर बैठे हुए हैं। तो ये कबूतर आकर देखे ना, हमारे कबूतर उड़ रहे हैं, तो ये कबूतर पता नहीं कहाँ से आ गए। तो इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। पहले जो है वो हमारी डक्स देखें चलाकी कर रही हैं, तो ये सब्जी वगैरह उठाकर जो है ना मैं उस साइड पर रखता हूँ और कबूतर पकड़ने की कोशिश करता हूँ। वो सामने बैठे हुए डर रहे, चेक करें जी, ऐसा ऐसा उस साइड पर जा रहे हैं। तो सामने ब्लैक कलर वाला कबूतर है, तो मैं कोशिश करता हूँ मुझसे पकड़ा जाए। ऐसा ऐसा सारे कबूतर उस साइड पर लेके जाते हैं, अगर ये पिंजरे में चला जाता है ना तो और भी अच्छा हो जाएगा, तो आराम सुकून से इसे पकड़ लेंगे। तो जल्दी जल्दी जो है वो इसे उस साइड पर भेजते हैं, देखते हैं कि अगर जाता है ना आराम से जाकर इसको पकड़ लेंगे। मैं आया था पर्दे वगैरह लगाने, धूप आई हुई है ना इस वजह से मुझे नहीं पता था कि कबूतर आया हुआ है। जल्दी जल्दी इसे पिंजरे के अंदर भेजते हैं और पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये सामने बैठा हुआ है जी, इसको आहिस्ता आहिस्ता बाकी कबूतरों के साथ जो है वो अंदर भेजने की कोशिश करते हैं, चेक करें। अब जा तो रहे, आहिस्ता आहिस्ता ही जाएगा वरना ये उड़ ना जाए। यार ये मुर्गियां जो अंदर चली गई है ना, ये हमें तंग कर रही हैं, तो कबूतर कहीं उड़ ना जाए तो आहिस्ता आहिस्ता भेजना पड़ेगा, वरना ये जो है ना वो मसला बन जाएगा। देखें उड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो पीछे हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं, आराम सुकून से जो है वो बाद में पकड़ेंगे। थोड़ा सा डर गया है कबूतर, चेक करें। ये बैठे हुए सामने और हमारे कबूतर भी दोनों बैठे हुए हैं। यार मुझे अब डर लग रहा है यार, मैं किसी को बुलाता हूँ यहाँ पर, और बुलाकर उसको जो है वो मैं मोबाइल पकड़ाऊंगा और खुद आराम से जाकर पकड़ूंगा। तो बल्कि लड़का आ गया सामने खड़ा है, तो जल्दी जल्दी इधर आ, भाग्या 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 आ जा, मुस्कुरा क्यों रहा है। सामने बैठा हुआ दरअसल कबूतर, वो सामने ब्लैक कलर वाला जो कबूतर है ना, वो सामने जो बैठा हुआ है, तो वो मैंने पकड़ना है। तूने मोबाइल पकड़ कर वीडियो बनानी है, तो मैं सिर्फ कबूतर पकड़ने की कोशिश करूंगा। अगर पकड़ा जाता है ना तो बड़ा मजा आएगा, आज का जो है ना वो दिन ही सारा वीआईपी से गुजरेगा। तो जल्दी जल्दी चलता हूँ, कबूतर पकड़ने की कोशिश करता हूँ। मैं जा रहा हूँ आराम आराम से कबूतर को पकड़ने के लिए, तो दुआ करिएगा कबूतर उड़े ना। तो यार कबूतर जो है वो दोबारा से उड़कर वो सामने जाकर बैठ गया, चेक करें, वो कॉर्नर में बैठा हुआ है, तो बैठा हुआ है। तो यार दुआ करिएगा मेरे से पकड़ा जाए, मुझे डर लग रहा है, मैं पहली बार कोई कबूतर पकड़ रहा हूँ। तो ये देखें ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो इसको नीचे की तरफ भेजते हैं। तो ये देखें ये उड़कर वो ऊपर जाकर बैठ रहा है, तो आगे आराम सुकून से आगे नीचे, तो ये कबूतर बैठा हुआ है। तो यार उम्मीद करते हैं मेरे से पकड़ा जाएगा, कोशिश करूंगा, मुझे पक्का कबूतर वगैरह पकड़ने नहीं आते, लेकिन मैं आज कोशिश करूंगा मेरे से कबूतर पकड़ा जाए। और हमारे सारे माशाल्लाह कबूतर जो है वो यहाँ पर घूम रहे हैं। सबसे पहले जो वो पानी चेंज करता हूँ, क्या पता प्यासा हो। तो देखे जिस तरह उसने पर नीचे गिराए हुए हैं ना, वो सामने घूम रहे हैं, जिस तरह इसने पर नीचे गिराए हुए हैं ना, मुझे इसी तरह लग रहा है कि ये प्यासा आया है बेचारा। और है भी प्योर ब्लैक कलर का, चेक करें, प्योर ब्लैक है, कोई इसके अंदर और कलर नहीं है, बिल्कुल ब्लैक, जैसे कौवा होता है उस तरह का कबूतर है, और माशाल्लाह फुल ज्यादा ब्लैक है। तो इसको पकड़ने की यार मैंने आज फुल कोशिश करनी है। मैं यार आया था अपने परिंदों को सब्जी वगैरह देने, और आगे से मुझे ये मिल गया, तो मुझे और ज्यादा खुशी हो रही है। कुछ सब्जी मैंने यहाँ पर रख दी और कुछ सब्जी वहां पर रख दी, और बड़े वाले चूजे भी मैंने खोल दिए हैं कि हमारा कबूतर जो ये बैठा हुआ है ना, ये डरे ना, और कभी यार वहां पर जाकर बैठ जाता है, कभी वहां पर जाकर बैठ जाता है। तो इसको पकड़ने की कोशिश करनी और चेक करें, हमारे माशाल्लाह चूजे भी काफी ज्यादा खुले हुए हैं। तो बड़े वाले पिंजरों को जो है ना वो इस साइड पर भेजते हैं, ताकि बड़े वाले यहाँ पर खाने लग जाए और छोटे चिक्स यहाँ पर खाएं। माशाल्लाह जी छोटे वाले चूजे और कबूतर जो है बाजरा खाने लग गए, और इसको कबूतर हमारे जो है ना ऊपर से भी उतर कर आ रहे हैं बाजरा खाने के लिए। तो चेक करें सारी चीजें जो है वो लगी हुई हैं खाने के लिए, और कबूतर भी नीचे आ रहे हैं हमारे वाले, और ये कबूतर बैठे हुए सामने। तो कोशिश करते हैं इसको पकड़े किसी तरीके से। यार हमारे कबूतर जो है वो खा रहे हैं, लेकिन ये वाला जो कबूतर है ना, जो बिल्कुल भी उस साइड पर नहीं जा रहा, काफी ज्यादा चला कबूतर है। तो इसको इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मैं जाता हूँ और इनको भेजने की कोशिश करता हूँ, शायद चले जाए। और हमारा जो है वो आइडिया जो है वो सक्सेसफुल हो रहा है, कबूतर जा तो रहा है मगर अभी थोड़ी देर है। मोर को जो है वो इधर भेजते हैं वापस दोबारा से, ताकि ये जो जाकर ना बाकी चीज़ों को डराए ना। तो कबूतर चेक करें फुल डर रहा है, तो मोर जल्दी जल्दी उधर भाग जा यार। तो न्यू हमारा यहाँ पर फ्रेंड आने वाला है, अभी डर तो रहा है, चेक करें बाजरा नहीं खा रहा, मेरे ख्याल से पिंजरे के अंदर जा रहा है। तो जैसे ही जाएगा ना, बाकी कबूतर भी लगे हुए हैं सारे खाने के लिए। आज मैंने सारी चीज़ें बाहर निकाल दी हैं कि बाहर निकल आएँ और खाने लग जाएं, और मैं इस कबूतर को पकड़ सकूं। और काफ़ी ज़्यादा चालाक है, आ रहा है माशाल्लाह बाजरा खाने के लिए। जैसे ये बाजरा खाएगा ना, मैं पीछे से इसको झपट्टी मार लूँगा और पकड़ लूँगा। चेक कर जी सामने आ गया, वो देखे डर रहा है, हमारा कोई भी कबूतर उड़ता है ना वो डरने लग जाता है। तो अब माशाल्लाह खाना स्टार्ट हो गया, थोड़ी देर इसे खाने देते हैं, उसके बाद इसको पकड़ता हूँ मैं।
यार हमारा चूजा पड़ गया उस कबूतर के पीछे, तो वो देखे ना वो कबूतर जो है बिल्कुल डर रहा है, तो मेरा ख्याल है कि मैं इनको पिंजरे में अंदर भागने की कोशिश करूं, क्योंकि बड़े वाले जो चीक्स हैं ना, बड़े वाले जो परिंदे हैं वो भी आ गए हैं और कबूतर ये घूम रहा है, तो मैं कोशिश करता हूं शायद ये पिंजरे के अंदर चले जाएं। हमारे बाकी कबूतर जाने की कोशिश कर रहे हैं और ये अभी डर रहा है, इसको भी पिंजरे का नहीं पता, तो आहिस्ता आहिस्ता भेजने की कोशिश करता हूँ। हमारे चूजे चेक करें कितने ज्यादा समझदार है, मैं खुद ब खुद चले गए और कबूतर भी जाना स्टार्ट हो गया। अब खड़कर वेट करते हैं, तो मैं वेट कर रहा हूँ, देखते हैं कबूतर हमारा जाता है नहीं जाता, वो साइड चेंज कर गया, तो मैं इधर से ना इस यहाँ पर खड़ा होता हूँ, शायद फिर चला जाए। तो देखते हैं, हमारा कबूतर जो है वो बिल्कुल जा भी नहीं रहा, तो कोशिश करते हैं कि चला जाए यार। फाइनली जी कबूतर अंदर आ गया, तो मैं पकड़ने लगा हूँ, ये देखें जी कॉर्नर में जाकर खड़ा हो गया है, तो इसको पकड़ते हैं और जल्दी जल्दी जो है ना वो ये पकड़ा गया कबूतर जी, मैंने पकड़ लिया, अब देखें किस तरह कर रहे हैं, तो इसको चेक करते हैं ये उड़ा क्यों नहीं और प्यासा क्यों था। फाइनली जी मैंने कबूतर पकड़ लिया है मेरे हाथ में, और गर्मी की वजह से मेरे पसीना देखें पूरे कपड़े जो है वो गीले हो चुके हैं, और कबूतर पकड़ लिया, इसके पर पूरे हैं, चेक करें जी सारे के सारे इसके पर हैं, और माशाल्लाह काफी ज्यादा प्यारा कबूतर है यार, प्योर ब्लैक कलर का कबूतर है, और काफी ज्यादा खुशी हो रही है इसे देखकर, और इसने जो है ना मुझे काफी देर जलील किया है, उसके बाद जाकर पकड़ा गया है, तो मैंने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की, आराम से कौन से पिंजरे के अंदर चला गया और मैंने जाकर पकड़ लिया, और माशाल्लाह काफी ज्यादा प्यारा कबूतर है यार, काफी ज्यादा खुशी हो रही है इस कबूतर को देखकर। कबूतर को मैंने पिंजरे में छोड़ दिया, चेक करे सामने जाकर बैठ रहा है, तो दरवाजा कर देते हैं बंद, शाम को हमाद भाई आएंगे और खुद ही देखेंगे इसका क्या करना है। तो बाकी माशाल्लाह जी हमारे चूजे भी काफी रिलैक्स घूम रहे हैं नीचे, चेक करे हर चीज ठीक है, माशाल्लाह जी बड़े वाले चूजों को भी दे खुराक दे दी, अब आराम सुकून से खा रहे हैं, और इधर माशाल्लाह हमारे छोटे वाले चिक्स भी खा रहे हैं, तो माशाल्लाह यार काफी ज्यादा खुशी हो रही है कबूतर पकड़ने की। तो हमाद भाई भी आ चुके हैं, हमाद भाई जल्दी जल्दी आ, तुझे एक सरप्राइज दिखाता हूँ, जल्दी जल्दी आ, वो चेक कर, वो सामने जो ब्लैक वाला कबूतर है ना वो मैंने अभी पकड़ा है, कैसा है दिखा जल्दी, देख पकड़ के ला अंदर से और चेक कर, मुझे काफी ज्यादा प्यारा लगा यार, प्योर ब्लैक है। तो हमाद भाई अंदर जा रहे हैं, हमाद भाई चेक करें, हमाद भाई बता यार कबूतर क्या है, क्या नस्ल है इसकी? ये मैंना है। मैना? ये मैना नहीं है, कौवा है, सफेद पर रहेंगे इसके। माशाल्लाह जी हमारा चेक करें जी कबूतर जो पकड़ा वो मैना है, और हमाद भाई अच्छा कबूतर है या ऐसे ही फारग है? अच्छा है, तो माशाल्लाह जी कबूतर मैंने पकड़ लिया, तो हमाद भाई इसके पर वगैरह बांधने या इसी तरह छोड़ देना? इसी तरह छोड़ देना। यार ये उड़ना चाहिए यार, मैंने इतनी मेहनत से पकड़े है, टेप लगा दे। हाँ हमारे भाई इसको टेप लगा दे ताकि ये उड़ ना सके, तो हमारे भाई टेप लगा रहे हैं, मैं जो है वो चूजों को खुराक वगैरह डाल दिया, तो यार खुराक वगैरह चूजे आराम सुकून से खा रहे हैं, हमारे भाई ने टेप वगैरह लगा दिया, तो चेक करें अब कबूतर अंदर जाकर बैठ गया है। तो माशाल्लाह जी मेरे चूजे चेक करें, माशाल्लाह काफी ज्यादा बड़े हुए पड़े हैं और कैसे भाग रहे हैं देखें, तो इनके लिए दरवाजा मैंने बंद किया हुआ है, तो मैंने सिर्फ वैसे बाहर निकालने के लिए बाजरा वगैरह और सब्जी वगैरह फेंकी थी, मैंने कहा कुछ देर के लिए खा लें, तो अब इन्होंने खा लिया, तो दरवाजा खोल देते हैं। माशाल्लाह काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं, और बड़े परिंदों के साथ भी इनको मिलवाया है, सारे परिंदे माशाल्लाह काफी ज्यादा खुश हुए, किसी परिंदे ने जो है वो हमारे चीक के ऊपर अटैक नहीं किया, ये सबसे अच्छी बात है कि हमारे माशाल्लाह कबूतर भी जो है वो अब नीचे ही रहते हैं तो ऊपर नहीं जाते, तो अब जो है वो चूज सारे चेक करें किस तरह डर कर बैठे हुए हैं मेरे से, तो जल्दी जल्दी इनका दरवाजा मैं खोल देता हूँ, तो चेक करिएगा सारे भाग कर अंदर चले जाएंगे, एक चला गया, ये चले गए जी माशाल्लाह पांच, और पांच इधर घूम रहे हैं, तो पांचों को भगा देते हैं अंदर की तरफ, चेक करें सारे भाग गए अंदर। माशाल्लाह जी बड़े वाले चूजों का पानी रख दिया, और इधर माशाल्लाह बाजरा भी रख दिया, तो खा पी लेंगे, और इस साइड पर छोटे वाले चिक्स भी माशाल्लाह पानी पी रहे हैं और बाजरा खा रहे हैं, आराम सुकून से लगे हुए हैं, तो हमारा बनी भी आराम सुकून से चूजों के अंदर बैठे हुए, कितना ज्यादा माशाल्लाह प्यारा लग रहा है। तो बाकी इधर कबूतरों का पानी और बाजरा भी रख दिया, और बड़े परिंदे भी आराम सुकून से बाजरा और सब कुछ खा रहे हैं। तो माशाल्लाह जी आज जो है हमने कबूतर पकड़े, और आपने देखा है किस तरह जो है वो मेहनत लगी है मेरी कबूतर पकड़ने में, तो आज का जो व्लॉग था यहीं तक था, उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।